brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है क्या? कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बाद में नाबालिग गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हमारे साथ देखिए, ये तो सरकार के इकबाल की वानगी है। ऐसा लगता है कि अपराधियों में भय खत्म हो गया और दुष्कर्म की वारदातों में प्रदेश देश में एक नंबर पे शुमार हो गया। किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के लिए शर्मनाक है। राजस्थान अपराध के आंकड़ों में इस समय पूरे देश भर में एक लंबी फहरिस्त है। 435,000 मुकदमे दर्ज होना, 305,000 मुकदमे IPC के धारा में दर्ज होना, उसमें 11,000 मुकदमे सिर्फ इस तरीके के दुष्कर्म और गैंगरेप के। जो घटना हुई सिव तहसील की बाड़मेर की, जिस बच्ची के साथ जो वाकया हुआ, मुझे लगता है कि एक लंबी फहरिस्त है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ में अभी 3-4-5 तरीके के लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। किसी को अपहरण किया अभी तक पता नहीं लगा, किसी के साथ घटना हुई अभी तक न्याय नहीं मिला। मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया और अशोक गहलोत जी इसके दोषी हैं, क्योंकि वो खुद गृह मंत्री है। पिछले 20 महीनों में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, वो अपने आप में इस बात को साबित करते हैं कि अपराधियों में भय खत्म हो गया, आमजन भयक्रांत है। और इस सरकार में थोड़ा बहुत भी ईमान बचे, ये नौटंकी करते हैं, कभी आदरस जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में थोड़ी बहुत भी ईमान होता तो शायद यहाँ आंसू पहुँचने के लिए आते। मैं इस मामले को पूरे तरीके से, हम लोग संकल्पित हैं कि राजस्थान की अबलाओं को, पीड़िताओं को न्याय दिया। सर हरीश चौधरी ये कहते हैं, कल आए थे, उनका कहना है कि साफ तौर पर अशोक गहलोत जी ने ये आदेश दिया, इसके सभी परिवार का दोष इसके मामले में दर्ज हो, लेकिन उसमें 60% परिवार पर, 40% केवल कार्यवाही, 60% परिवार पर कोई एक्शन नहीं हुआ, केवल 40% में चालान हुए। इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन सरकार की जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए कहते हैं, वो कार्यवाही करते तो जनता के बीच में उजागर करते कि इतने मुकदमे दर्ज हुए, इसमें हमने ये कार्यवाही की। जितने थानाकाजी के बाद में एक के बाद एक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसका दोषी कौन है? सरकार किसकी है? प्रशासन किसका है? मुझे लगता है कि पुलिस का भी मनोबल गिरा और सरकार में पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं होना, ये भी सरकार की बड़ी फेलियर। सर बीजेपी आगे भविष्य में किस तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेगी, किस तरीके से? देखिए, हमने शुरुआत कर दी, कोरोना की मर्यादा जरूर है, लेकिन उस मर्यादा का लंघन करके भी हम लोगों ने जोखिम लिया है और पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने सरकार को चेताने के लिए अभियान शुरू किया है। मैंने अपने जितने जिलों की संभाग इकाइयाँ उनको कहा है, इस तरीके की घटनाएं हों वहाँ खुद जाएं, पीड़िताओं को संबल दें और जो उनसे वाजिब तरीके से कोशिश हो सके वो करें। ये थे सतीश पुनिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी हर वक्त उनके साथ रहेगी। दिनेश वोरा, बाड़मेर।